तो गाइस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम वीडियो में आपकी जो पीसीबी की ड्रिल होती है वो बनाना सीखेंगे। तो जो बहुत सारे यूट्यूबर ने बनाई है उस वैसे नहीं बनाएंगे, कुछ अलग बनाने का ट्राई करेंगे। बस तो मैं बताऊंगा आपको ये बनाने का क्या फ़ायदा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्लाइडर होता है जो हमारा ड्रॉअर में लगता है, वो स्लाइडर ले लिया आपने, पुराना लेंगे भी तो चलेगा भंगार में से। और पीछे साइड एक लकड़ी लगाकर और आगे साइड एक लकड़ी लगाएंगे तो ये कुछ इस तरह से स्लाइडिंग होगा। तो देखिए ये जो है ये पीछे साइड है और ये है फ्रंट रहेगा। और ये हमारी मोटर है जिसमें हमारा ड्रिल भी बैठने वाला है। तो आप बोलेंगे LED प्लेट किस लिए? इसलिए कि जब हम काम करते हैं तब हमें वहाँ पर उजाला चाहिए। तो देख सकते हैं आप ये LED प्लेट जो है गोल कलर की आपको मार्केट में मिलेंगी, गोल साइज की। आप इसको थोड़ा होल बड़ा करके मोटर के आसपास बिठा सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से बिठाया। और इसके अलावा मैंने यहाँ डबल साइड टेप लगाई है। डबल साइड टेप किस लिए लगाई है मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए ये नीचे साइड रहने वाला है तो हमारी मशीन कुछ इस तरह से बैठेगी यहाँ पर इस तरह से। और ये जो पाइप फिटिंग के टाइम पे जो क्लिप आता है वो क्लिप उसको यहाँ सीधा करके इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे हम। तो एक बार मैं आपको लगा के बताता हूँ। यहाँ कुछ इस तरह से इसको बिठा देंगे, देख सकते हैं यहाँ साइड में स्क्रू चले जाएंगे दोनों तरफ से। यहाँ पर भी एक स्क्रू बैठेगा यहाँ पे भी, और इसको एकदम कस देंगे और एक स्क्रू यहाँ पर बिठा देंगे LED प्लेट के साथ। तो ये हमारा इस तरह से तैयार हो जाएगा ऊपर नीचे करने के लिए इस तरह से। तो अब इसको माउंट कहाँ पे करेंगे जिससे कि ये ऐसा खड़ा रहेगा ऊपर नीचे होगा, तो उसके लिए और एक मैकेनिज्म हमने बनाया है। हमने भंगार के दुकान में से ऐसा पुराना जुगाड़ ढूंढ के निकाला। ये जो देख सकते हैं ये प्रिंटर के अंदर होता है, जो प्रिंटर आता है पेपर प्रिंट करने के लिए उसके अंदर ये होता है। तो हम इसका यूज़ करने वाले हैं। तो ये जो हमारा मैकेनिज्म है ये यहाँ पर इस तरह से बैठेगा और ये हम इसे लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं और ऐसा ऊपर नीचे भी मूव कर सकते हैं। तो अभी इसको भी स्टेबल रखने के लिए हमने ऐसे दो लकड़ी की पीस लिए है। तो देख सकते हैं दो पीस ऐसे रहेंगे और ये कुछ इस तरह से यहाँ पर बैठ जाएगा, यहाँ पर इस तरह से बैठने वाला है। और सपोर्ट के लिए बीच में लगा देंगे और ये हमारी लकड़ी। तो कुछ इस तरह से हमारी मशीन बनने वाली है और ये यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। देख सकते इसको हम लेफ्ट राइट सर कर सकते हैं और वैसा ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक दिक्कत ये है कि ये ऐसा इस तरह से नीचे आ रहा है तो हम इसके लिए स्प्रिंग का टेंशन देना पड़ेगा। तो स्प्रिंग मैंने इसके लिए मार्केट से लेकर आई है। तो ये स्प्रिंग देखिए कुछ इस तरह की फ्लेक्सिबल स्प्रिंग है, ज़्यादा ऐसी हार्ड नहीं होनी चाहिए खींचने में, बहुत ऐसे लाइट है। तो इस तरह की स्प्रिंग आप ला के क्या करेंगे इसके पीछे साइड लगाएंगे यहाँ पर और यहाँ से एक वायर लेके इसमें लगा देंगे। तो इससे होगा क्या कि जब ये नॉर्मली इसको पकड़ के रखेंगी और जब हम नीचे खींचेंगे इसे तो स्प्रिंग पर टेंशन बढ़ेगा इस तरह से और इसको ये वापस ऊपर खींच लेगा। तो यहाँ पर एक हैंडल लगा देंगे जिससे कि आप नीचे इसको प्रेस कर सकते हैं और जैसे ही छोड़ेंगे ये वापस ऊपर चला जाएगा। तो मैं भी इसकी सबकी फिटिंग कर देता हूँ और बाद में आपको इसका वर्किंग बताता हूँ। तो फ्रेंड्स हमारी मशीन बन के तैयार हो गई है जो हम ड्रिल मशीन बनाए हैं। तो अभी उसका वीडियो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से बनाई है और कैसे काम करती है और क्या क्या पार्ट हमने लगाए हैं। तो चलिए एक एक से एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए ये हमारी ड्रिल बिट है, जो CNC वाली ड्रिल बिट आती है वो ड्रिल बिट है। उसके अलावा यहाँ हमने चक बिट आया है जो कि इस मोटर के लिए है। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप राउंड इसमें LED लाइट्स है, तो इस LED लाइट इसके ऊपर चिपका दिया हमने मोटर के ऊपर। और उसके बाद यहाँ सीधा आप पीछे आओगे मशीन के, यहाँ पर इसका थोड़ा कंट्रोल वाले पावर सप्लाई है जो कि डिस्ट्रीब्यूट करता है मोटर और LED के लिए। तो ये देख सकते हैं स्टेप डाउन मॉडल जो है ये LED के लिए पावर सप्लाई है। और बाकी ये जो स्विच देख रहे हैं आप, ये स्विच ये दो स्पीड के लिए है। अगर आप दबाते हो इसे तो हाई स्पीड पे चलेगी मोटर और फिर से दबा के छोड़ते हो तो मीडियम स्पीड पे चलेगी। तो उसके अलावा देखिए और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ पर एक लिमिट स्विच देख रहे होगे। तो ये लिमिट स्विच का काम क्या है, जैसे हम इसे नीचे दबाते
तब मोटर ऑन होगी, और जैसे ही छोड़ देते तब मोटर ऑफ रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारी मोटर कंटिन्यूसली ऑन नहीं रहने वाली है, जैसे ही हम नीचे दबाते हैं वैसे ही मोटर ऑन होगी और छोड़ते ही मोटर बंद हो जाएगी। तो चलिए अभी इसका मेन सप्लाई देखते हैं कहाँ लगाया हुआ है। तो यहाँ साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे आप 24 वोल्ट का पावर सप्लाई लगाया हुआ है जो कि प्रिंटर के साथ ही आता है। तो ये जो हमारा फ्रेम था ये प्रिंटर का ही था, तो उसमें ही ये पावर सप्लाई मिल गया था। तो उसमें आप एसी 220 वोल्ट देंगे और ये 24 वोल्ट डीसी कन्वर्ट करके इस वायर से यहाँ से आकर इस सप्लाई में चला जाएगा जो कि पावर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो देख सकते हैं यहाँ से इनपुट है और यहाँ से 4 वायर बाहर निकल रहे हैं। तो अभी चलिए इसकी वर्किंग देखते हैं किस तरह से काम करता है, और आपको मैं ड्रिल करके भी बता देता हूँ। तो गाइस देखिए इसकी वर्किंग मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि किस तरह से मैंने बनाया है मैकेनिज्म। तो सबसे पहले देखिए ये इस तरह लेफ्ट राइट भी मूव हम कर सकते हैं जैसे सीएनसी मशीन रियल में होती है, तो इस तरह मूव कर सकते हैं। यहाँ पर इसके लिए मोटर भी लगी हुई है पीछे साइड जो कि अभी हमने यूज़ नहीं की है, आगे जाके हम माइक्रो कंट्रोलर के साथ इसे लगाएंगे। तो मैं बताता हूँ किस लिए लगाने वाले हैं। और उसके अलावा ये देख सकते हैं ये जो हैंडल है हमारे यहाँ पे, हम ये इसको नीचे दबाते हैं तभी नीचे जाता है, और ये स्प्रिंग जो लगी है इसको टेंशन देती है, ऊपर साइड खींच लेती है। तो देखिए मैं जैसे ही अभी नीचे दबाता हूँ फिर से ऊपर खींच लेगी इसे, देखिए ऊपर खुद ऑटोमेटिक आ जाता है। और दूसरी बात, इसका मैं सेकंड यूज़ भी करने वाला हूँ जिससे कि हम हमारी पीसी बेचिंग के लिए जो हम मूवमेंट करते हैं लेफ्ट राइट वो हम इसका यूज़ करके कर सकते हैं। तो इसमें भी आगे जाके कुछ मॉडिफिकेशन होने वाले हैं। तो चलिए अभी फ़िलहाल मैं आपको ड्रिल करके बताता हूँ कैसे ड्रिल होता है इसमें। तो सबसे पहले देखिए हमने पावर सप्लाई पीछे दे दिया है और मेन स्विच इसका यहाँ नीचे साइड लगा हुआ है। तो जैसे ही ऑन करते हैं यहाँ पर लाइट ऑन हो जाएगी, आप देख सकते हैं ये लाइट्स ऑन है इसके नीचे साइड के। इससे क्या होगा कि हमारा जब ड्रिल करते हैं तब हमारा फोकस बहुत अच्छा रहेगा, हमें सब क्लियर दिखेगा। तो देखिए अभी ये लो स्पीड पे है, आपको आवाज़ आ रहा होगा, आवाज़ देखिए बहुत कम है, लो स्पीड है एकदम। अभी यहाँ पे पीछे एक स्विच लगाया हुआ है हमने यहाँ पीछे साइड, जैसे इसे दबाते हैं ये हाई स्पीड पे चले जाता है। तभी देखिए मैं फिर से दबाऊंगा तो ये हाई स्पीड में काम करेगा। फिलहाल हम इसमें हाई स्पीड में ड्रिल करके बताते हैं आपको। तो देखिए ये रही हमारी पीसीबी, यहाँ कुछ होल्स करने हैं हमें, तो चलिए मैं होल करके बताता हूँ आपको। तो देखिए जैसे हम हाथ छोड़ देते हैं मशीन खुद ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, और इसमें देखिए आप होल दिख रहे होंगे, आपको कितने स्मूथ और कितने अच्छे से होल हो गए इसमें, ज़रा भी ऐसा रफ सरफेस नहीं है, बहुत ही स्मूथ ये मशीन काम करती है। तो आपने देखा कि हमने मशीन किस तरह से बनाई है और इसकी वर्किंग कैसी है, इसमें हम आगे जाके बहुत सारे चेंजेस भी करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट कर ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा था। तो चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।